हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक यार ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आपको दिखाने जा रहे हैं, आज बहुत दिन से सोच रहे थे कि आप लोगों को भूत बंगला दिखाएंगे पूर्णिया में जो है, तो भूत बंगला दिखाते हैं आप लोगों को, भूत बंगला कैसा दिखता है आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा भूत बंगला नाम क्यों पड़ा था। असल में देखिए क्या है नहीं है वो तो दिख जाएगा आप लोगों को, लेकिन भूत बंगला है कि नहीं है वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नाम से फेमस है भूत बंगला है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं अंदर का भूत कैसा दिखता है भूत बंगला। देखिए पहले ऊपर देखिए पहले कितना जर्जर है, मतलब कि हम लोग ये भी मतलब डर लग रहा है कि अगर चढ़े ऊपर में कहीं गिर जाए तो हो दिक्कत है। इतना जर्जर है, इतना मतलब उखड़ के इधर उधर बिखर गया है, डर लगता है कहीं कहीं नीचे न धर जाए। लेकिन वो डर है कि मतलब कि माथा कहीं गिर न जाए, इसलिए तो डर से ऊपर नहीं करेंगे, अंदर चलते हैं दिखाते हैं। रात की बात है, रात में बोलता है, रात में कुछ जहाँ से होता है तो रात में क्या आएगा देखेंगे हम लोग, रात में थोड़ी आए दिन में आए बना डर नहीं लगता है। रात में जो सब यहाँ पर रहता है वो लोग जानता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है, जो लोग बोलता है कि चिट्ठी वगैरह नहीं खोलते रात में। तो आइए अंदर चलते दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। इतना पुराना है और इतना पूरा फट गया, मतलब कि लाइट भी नहीं है कि मतलब कि उसे ट्रस्ट किया जाए कि मतलब नहीं गिरेगा कि गिर जाएगा, तो ठिकाना नहीं है इसका। लेकिन इतना जर्जर हो चुका है ना कि जहर से फट रहा है मेरा, ये देखिए इतना गंदा भी है ना, बहुत गंदा है और जर तो बहुत लग रहा है। ऊपर देख सकते हैं आप लोग की कितना मतलब कि जर्जर हो चुका है, मतलब कि ये रड वगैरह सभी निकल के इधर उधर बिखर गया है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से देखिए आप पूरा दिखाइए, पेड़ उठ सब चीज पूरा जकड़ लिया पूरा मकान को, मतलब भूकंप थोड़ा सा भी कस के आ गया ना तो वो गिरने में से टाइम मिलेगा आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इधर आपको दिखाते हैं इधर का सीढ़ी, इधर शायद सीढ़ी है उनके ऊपर चढ़ने लायक नहीं थी, चढ़ोगे सीढ़ी में ज़्यादा मतलब लगता है कि चढ़ने में, क्योंकि ठीक है नहीं उस तरह से मतलब कि चढ़े आप लोग देख भी सकते हैं इतना जर्जर है कि मतलब कि क्या बताए आपको सीढ़ी की धस चुका है, वहाँ पे ऊपर में खड़ा दिखाइए वहाँ पे चुका, तो रिक्स नहीं लेंगे, नहीं चढ़ेंगे ऊपर, ऊपर जो है ना चढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप सामने में देखिए सीढ़ी धसा हुआ है, वही में सीढ़ी धसा हुआ है, कहिएगा आप तो डर ही लग रहा है, फट रहा है बढ़िया से, मतलब खाली ऊपर कीजिएगा उसको हिलाइए मत ज्यादा, करना तो जीतेगा नहीं किसी, इधर दिखाइए इधर देखिए मतलब डर तो पूरा लग रहा है भाई, क्या करें रिक्स है, नहीं ज़्यादा दूर नहीं रुकना है, आप उधर उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, बाकी का बहुत डर है देख सकते हैं आप, उधर देखिए ज़्यादा हिलिएगा नहीं, मतलब कोई ठिकाना नहीं है इसका, देखिए वहाँ ढहा हुआ है पूरा गिरा हुआ है देख सकते हैं आप, वहाँ आप इधर देख लीजिए ऊपर दिखाइए ऊपर, जल्दी जल्दी दिखाइए जल्दी भागिए यहाँ से, रहने का लाइट नहीं है, और इधर भी दिखा दीजिए यहाँ देखिए जस्ट बगल में डर आ चुका है, उधर मत जाओ ज़्यादा मत जाओ, उतना रिस्क नहीं लेना है देख सकते हैं आप लोग, उधर खिड़की वगैरह सब बढ़िया से जूम जूम कर करके दिखा दीजिए, जल्दी भाग लिया रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि आज का ये मकान नहीं बहुत पुराना है, उधर दिखाइए जल्दी जल्दी जूम जूम कर करके, अगर आप ठीक से लीजिए उतना हिलाइएगा कैमरा अपने अंदर लीजिए बढ़िया दिखाइए, इधर आइए अंदर
से दिखाए थे आपको, ये ऊपर हम लोग ऊपर में चढ़े हुए हैं अभी, तो ये इधर से दिखा दीजिए थोड़ा ऊपर दिखाइए। चलिए भाग लिया, चलिए इधर मेरा थोड़ा सा नहीं है, उसके बाद चलते हैं ना तो वो धमधम का आवाज होता है, कितना कमजोर होता है क्या बताया, तो ये देख लीजिए ग्रिप नहीं होगा, कितना मतलब जर्जर हो चुका है, मिट्टी बन गया है, कितना जर्जर है सीमेंट देखिए आपको ऊपर से दिखाती है वो वाला दृश्य, आपको ऊपर से दिखाए थे, देखिए फटा हुआ है वहाँ पे, इधर ले जा दिए हम लोग चढ़ के देखे थोड़ा सा, तो पूरा एकदम जर्जर हो गए हैं, पूरा एकदम लगता है कि कब थोड़ा सा भी इस बार भूकंप आएगा ये नहीं बचेगा, क्योंकि हर तरह से झर गया, मेन चीज़ तो झड़ ही गया इसका, थोड़ा ये पिलर के वजह से ये टिका हुआ है, पिलर इसका इतना स्ट्रॉन्ग है इसी कारण ये टिका हुआ मकान, तो आपको इधर से अब दिखाते पूरा एकदम मकान का आगे से भी दिखाई इस तरह से दिखता है, इतना जर्जर हो चुका है पूरा, क्या बोलते हैं पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ पूरा जकड़ लिया है, जकड़ के मतलब नहीं रखता है एक तरह का, मतलब अपना क्या कहते हैं तो और देखते हैं कोई तो पकड़ के जकड़ के रखता है इस तरह से जकड़े, आपको दिखा दिए भूत बंगला किस तरह से जर्जर पड़ा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा वीडियो में कि कितना रिस्क लेके हम लोग मतलब दिखाए सब जगह, जितना तक हो सका हम लोगों ने उतना तक हम लोग दिखाए, क्योंकि इतना संभव नहीं था कि हर मकान में जाके हर दरवाजे गेट के सामने खड़ा होना, मतलब किस तरह से जर्जर हो चुका था, मतलब फट गया है कहीं कहीं फटा हुआ इतना निकला हुआ, मतलब ऐसे पैर भी रखते थे तो धमधम का आवाज़ उठता था कि मतलब कि कब डर जाए, उतना रिस्क नहीं लेते अपना जान का भी थोड़ा सा मतलब ख्याल रखते हुए, मतलब थोड़ा सा चढ़ गए ऊपर भी यही काफ़ी है, किसी भी में देखे ही मेरा तो मतलब मन नहीं था करने का, लेकिन ये कैमरा लेके चढ़ गया तो चढ़ गया, जब रिक्स ले लिया तो भाई हमको भी थोड़ा सा रिक्स लेना पड़ेगा, तो अभी थोड़ा किसी के चलते चढ़ गए, डरने लगा चल भाई चढ़ जाते, चढ़ तो गए लेकिन पूरा एकदम खतर करने लगा सर इसकी भाई, यहाँ पे ज़्यादा दूर उतना नहीं, आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब दरार मार दिया है, पूरा फटा हुआ है, सब ढह जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए डर तो पूरा है, ऊपर जो चढ़ गया तो उसके तो उम्मीद ही मत रखिए, थोड़ा मोड़ा इधर उधर जर्जर, इसीलिए नाम ऐसे नहीं पड़ गया, इसलिए